चल दिए तुम आँख में अश्कों का दरिया छोड़। अलैकुम सलाम। ये भाई का सवाल है कि लॉकडाउन की सूरत में ईद उल अधा की नमाज होना तकरीबन नामुमकिन है, जैसा कि हमने ईद उल फितर में देखा। सवाल ये है कि ईद की नमाज नहीं पढ़ी तो कुर्बानी वाजिब होगी? जिस पर कुर्बानी वाजिब है, अगरचे उसने नमाज ईद नहीं पढ़ी, उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। मसला ये है कि अगर पूरे शहर में कहीं भी ईद की नमाज नहीं हुई थी और इसने कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं हुई, लेकिन पूरे शहर में अगर किसी एक जगह भी हो गई, जैसे पिछली ईद में भी 4-5 लोगों ने मस्जिद में पढ़ लिया था, इस बार भी तकरीबन ऐसी होगा, तो किसी मस्जिद में अगर नमाज हो गई शहर के, तब कुर्बानी करना दुरुस्त है। कुर्बानी करेगा अगरचे इसने खुद नमाज ना पढ़ी।